नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। मैं हूँ हमवीर सिंह। आप तो जानते हैं भारत के कोने कोने में घूमते रहते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान है उनका नाम है श्री प्रदीप मिश्रा जी सरकार। वो MSME PCI में वाइस चेयरमैन है। उनसे जानेंगे कि आम आदमी MSME में जुड़ करके किस तरीके से फ़ायदा ले सकता है, किस तरीके से लाभ ले सकता है, क्योंकि MSME काफ़ी दिनों से है लेकिन अब बहुत ज़्यादा जागरूकता हो रही है। तो सर से जानेंगे किस तरीके से आम आदमी जुड़ सकता है। सर, आपका स्वागत है फेस टू फेस। बहुत बहुत धन्यवाद नई सुबह को, और बहुत अच्छा आपने आज प्रश्न काल उठाया है कि MSME क्या है। MSME भारत का वह स्तंभ है जैसे शरीर में रीढ़, वैसे भारत की रीढ़ है, बैकबोन कहा जाता है। देश में 42% इकॉनमी और लगभग 12 करोड़ के ऊपर का रोजगार सृजित करने वाला वह उपक्रम है जिसको MSME कहा जाता है। MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम जिसमें स्थापित हो उसको MSME के नाम से भी मोचित किया जाता है। अब बताते MSME PCI क्या है। MSME PCI MSME प्रमोशन काउंसिल इंडिया, MSME डिपार्टमेंट के माध्यम से या माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा संचालित MSME विभाग की जो भी महत्वपूर्ण स्कीमें हैं जो सूक्ष्म लघु और माध्यम वर्ग के उद्यम को संचालित करने के लिए जिसमें प्रचार प्रसार की बहुत आवश्यकता होती है, उस सारे कार्यक्रम को MSME प्रमोशन काउंसिल इंडिया करता है। हम लोगों ने निरंतर संपूर्ण भारत में MSME द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं को संपूर्ण भारतवर्ष में जन जागरण के रूप में एक बृहत पैमाने पर कैसे श्रेष्ठ भारत, सशक्त भारत, समृद्ध भारत हमारा बने, क्योंकि हमारा भारत गांव में बसता है। जब तक हमारे गांव के लोग स्वावलंबी नहीं बनेंगे, पलायन नहीं रुकेगा, लोगों को अपने क्षेत्र में रोजगार की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होगी, तब तक हमारा भारत श्रेष्ठ भारत, समृद्ध भारत नहीं बन सकता है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ देश के SSB प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि जिन्होंने अभी 15 अगस्त के दिन ही लाल किले से एक बहुत ही हम लोगों के लिए दूरगामी एक योजना को विमोचित किया जिसका नाम है आपका विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना में लगभग 13,000 करोड़ का बजट उन्होंने सृजित किया और पहली 15 अगस्त के बाद की पहली कैबिनेट में ही उसको पास करा दिया। मैं पुनः उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आने वाले भविष्य को, आने वाले भारत को, आने वाले भारत के भविष्य को कि हमारा भारत कैसे श्रेष्ठ भारत, समृद्ध भारत, मजबूत भारत हो, उसको सोचते हुए आगामी योजना को उन्होंने इस योजना को लाभान्वित किया। इन योजना के तहत हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा गांव, हमारा ज़िला कैसे मजबूत हो, गांव में रहने वाले बढ़ई, मोची, शिल्पकार, आपके पेंटर, बढ़ई, इन सभी छोटे छोटे जो स्वावलंबी कारीगर हैं उनको लेकर कौशल विकास योजना के तहत उनको ट्रेनिंग का प्रोग्राम, 1,00,000 रुपए का उनको ऋण मात्र 5% वार्षिक ब्याज पर उनको उपलब्ध कराया जाएगा। अगर वह अपने कार्य को कार्य कुशलतापूर्वक बैंकिंग स्टेबिलिटी के तहत अच्छे रूप से काम करते हैं, नेक्स्ट उनको स्टेप में 2,00,000 की ऋण की उपलब्धता कराई जाएगी। ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं भारत सरकार चला रही, जैसे मुद्रा योजना हो गया, स्टार्टअप इंडिया होगा, मेक इन हो गया, प्रधानमंत्री स्वरोजगार हो गया, प्रधानमंत्री फूड कॉर्पोरेशन योजना हो गई, प्रधानमंत्री क्रेडिट गारंटी, ऐसी तमाम महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं। इन योजनाओं को लेकर MSME प्रमोशन काउंसिल इंडिया पूरे संपूर्ण भारत में जन जागरण का काम कर रही है। सर, मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है, आम आदमी, कोई भी ग्रामीण आदमी किस तरीके से MSME से डायरेक्ट जुड़ेगा? वो डायरेक्ट जिले में जाएगा या तहसील में जाएगा, ब्लॉक में जाएगा, मतलब शुरुआत कहाँ से करेगा वो? और वो उसका सीधा फंडा है, हर जिले में उद्योग भवन बना रखा गया है भारत सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक उद्योग भवन है, उससे उद्यम डिपार्टमेंट में जाके अपने उद्योग का रजिस्ट्रेशन कराए, देन फाइल कंप्लीट करने के बाद रजिस्ट्रेशन कराए, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद बैंकिंग व्यवस्था में जाए, बैंकिंग द्वारा उसको जो भी लोन प्रक्रिया होती है उसको लाभ दिया जाता है और सरकार द्वारा तमाम
योजनाओं पे विभिन्न विभिन्न प्रकार की सब्सिडी की भी व्यवस्था की जाए, जिसमें 15% से लेकर 45% तक की योजनाएं चल रही हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ग्रामीणों के लिए, जो लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को? मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आप इसको समझें, एमएसएमई डिपार्टमेंट क्या है। एमएसएमई डिपार्टमेंट आपके परिवार को आपके परिवार से दूर न जाने का एक ऐसा स्तंभ है, जो आप अपने घर पे, अपने क्षेत्र में, अपने ज़िले में, अपने गांव में अपने आप को स्वावलंबी बनाकर रोजगार सृजित कर सकते हो और तमाम परिवारों को रोजगार दे सकते हैं। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। ये थे आज के हमारे खास मेहमान प्रदीप मिश्रा सरकार जी। इन्होंने एमएसएमई के बारे में आपको जानकारी दी, किस तरीके से एमएसएमई से जुड़ करके हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, अपने गांव को मजबूत कर सकते हैं, अपने परिवार को मजबूत कर सकते हैं, अपने समाज को मजबूत कर सकते हैं। फिर आऊँगा किसी खास मेहमान के साथ। मीडिया न्यूज़ फेस टू फेस दिल्ली।